हेलो फ्रेंड्स, द मशीन डिज़ाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ये वीडियो में हम सीखेंगे KTI V5 में एक कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग डिज़ाइन करना, जिसके दोनों सिरे स्क्वायर्ड और ग्राउंडेड एंड्स हैं। यहाँ पर स्क्वायर्ड एंड्स का मीन है कि आपका जो बहुत जो स्प्रिंग का एंड है वो इस टाइप से कुछ होगा, और ग्राउंडेड में होगा कि उसका जो टॉप सरफेस टॉप एंड फ्लैट होगा जो ग्राउंड किया जा सकता है, और साथ में ही बॉथ एंड की बात कर रहे हैं तो हम इसका बॉटम एंड भी ग्राउंडेड होगा। जो ये भी स्प्रिंग हम बनाएंगे उसका जो वायर डायमीटर होगा, इसमें स्टैंडर्ड वायर पेज के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो 5x0 गेज का स्टैंडर्ड वायर यूज़ करना होगा, या फिर हम इसको MM में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो SWG गेज 2 mm में कन्वर्जन होगा वो 10.973 अराउंड 11 mm हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर कोयल मीन डायमीटर जो होगा 75 mm होगा। इसमें हम वेरिएबल नंबर्स देंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कि इसमें जो कोयल के नंबर हैं, नंबर ऑफ कोयल्स टॉप से और बॉटम से स्टार्ट हो रहे कुछ कोइल्स तक 1, 2 एंड 3 कोइल्स और 4 कोइल्स तक कम है, इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरीके से ऊपर से भी ऐसा ही हो रहा है, और बीच में जो इसका जो पिच है वो मैक्सिमम है। तो मैं आपको इस टाइप की स्प्रिंग डिज़ाइन करना बताता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नया कंट्रोल N के थ्रू न्यू पार्ट सेलेक्ट करेंगे, पार्ट देन ओके। अभी हम पार्ट एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी हेलिक्स कमांड की रहेगी, तो पार्ट एनवायरनमेंट में आने के बाद में आपको हेलिक्स कमांड डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपके पास में दो तरीके हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपके पास में कि मैकेनिकल डिज़ाइन में जाकर वायर एंड सरफेस डिज़ाइन इस एनवायरनमेंट में आपको स्विच करना होगा। तो आप जैसे स्विच करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास में एक स्प्लाइन का कमांड है, उसके एरो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हेलिक्स का कमांड मिलेगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में हेलिक्स कमांड टूल बार ओपन हो चुका है। सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आप हम वापस पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं, तो पार्ट डिज़ाइन में है तो आप यहाँ पर सर्च बार के थ्रू जा सकते हैं, C: हेलिक्स। अगर आप कमांड या फिर टूल बार जो भी आप रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको उसका एग्जैक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन और एग्जैक्ट स्पेल याद है ध्यान में हो तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रोसेस के थ्रू ही जाना बेटर होगा। तो अभी हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक हेलिक्स के लिए, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो स्टार्टिंग पॉइंट और आफ्टर देन एक्सिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो हम देंगे, राइट क्लिक क्रिएट अ पॉइंट, एक्स प्लेन पर 0, वाई प्लेन पर हम देंगे जो हमारा कोइल मीन डायमीटर लिया है वो हमने 75 लिया है, तो 75 / 2। जेड हम 0 ही रखते हैं और एक्स भी 0 रखेंगे, देन ओके। तो अभी हमारे पास में इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका है। एक्सिस फिर से वही मेथड, राइट क्लिक जेड एक्सिस क्लिक करेंगे तो अभी हमारा जेड एक्सिस आ चुका है। पिच डिफाइन करनी है तो अभी हमारे पास में हमें अगर हम कांस्टेंट पिच देते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ पिच दे देंगे, जैसे 12, तो ये 12 पिच। और तो अभी हम यहाँ पर वेरिएबल पिच देंगे तो लो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे एस टाइप की पिच में। तो हमारे पास में स्टार्ट वैल्यू जो है हमने रखी है 12.5 और एंड वैल्यू हम रखेंगे 25। तो आप इसमें देख पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू जो आपकी है वो 12.5 की होगी, और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करती करती जो बीच में जाएगा स्प्रिंग का जो बीच का पोर्शन होगा वहाँ पर पिच की वैल्यू 25 mm हो जाएगी। ओके क्लोज। फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 6 रिवोल्यूशन, आप ये कस्टमेबल आप कितना भी रिवोल्यूशन दे सकते हैं। ओरिएंटेशन इसका काउंटर क्लॉकवाइज,
टेपर एंगल हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम टेपर्ड स्प्रिंग बनाते हैं तो हमें टेपर एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट अभी हम इसमें नॉर्मल हेलिक्स स्प्रिंग डिज़ाइन करेंगे। देन ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है आपका पिच, यहाँ पर मिनिमम है, देन इंक्रीज, देन इंक्रीज, देन इंक्रीज, और ये ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। अब आपको चाहिए कि यहाँ पर इसी का एक मिरर होना रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए भी आप फिर से हेलिक्स कमांड चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो होगा, जो पहले वाला हेलिक्स है उसका एंड पॉइंट, जेड एक्सिस फिर से वही मेथड। इस बार हम पिच जो लेंगे लो में वापस जाएंगे एस टाइप, इस बार हमें पिच जस्ट रिवर्स में देनी है, मीन्स स्टार्ट वैल्यू 25 और एंड वैल्यू 12.5 और रिवोल्यूशन 6 काउंटर क्लॉकवाइज, टेपर एंगल नहीं देना है। देन ओके, तो अब हमारे पास में एक हेलिक्स प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एक इसके जो वायर डायमीटर हमने बोला था, तो उस वो वायर हमें क्रिएट करने के लिए एक सर्कल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका जो दो पॉइंट्स है एंड फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पर हम हमारे पास प्लान ऑलरेडी है, यहाँ पर अभी हमें प्लान क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये प्लान नहीं होता तो हम प्लान क्रिएट करते, लेकिन अभी हम डायरेक्ट करेंगे। तो स्केच में जाएंगे और इस प्लान के ऊपर हमारा एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर स्केच ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायर का जो डायमीटर है वो SWG के अकॉर्डिंग 5/0 है, तो इसका जो MM में कन्वर्जन आता है वो 10.973 समथिंग आएगा। इसको आप इसका पॉइंट को कोइंसिडेंट कर देंगे। देखिए ये भी आपका स्केच फुली कंस्टेंट हो चुका है, इसलिए ग्रीन में आ चुका है। अब आप चाहे तो इसके प्लेन्स हाइड कर सकते हैं। अब आपको जाना होगा रिब कमांड में, देन हम ओके कर देंगे इसको। अभी हमें प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जो प्रोफाइल है हमारा सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, सेंटर कर्व है तो फर्स्ट हेलिक्स एंड देन ओके करेंगे। सेकंड हेलिक्स हम सेलेक्ट करने जाएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट हेलिक्स को ही सेलेक्ट करेंगे। देन ओके, अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक स्प्रिंग का हाफ पोर्शन आ चुका है। अब सेकंड पोर्शन लेने के लिए हम लोग फिर से रिप पे जाएंगे, प्रोफाइल है तो अब प्रोफाइल हम बॉटम से सर्कल नहीं लेंगे, यहाँ से इसका जो सरफेस एक्सट्रैक्शन है उसी को लेंगे। सरफेस एक्सट्रैक्शन लेने के लिए क्रिएट एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे हम, तो अभी हमारे पास में ये एज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सपोर्ट ओके, सेंटर कर्व, नेक्स्ट हेलिक्स लेंगे, देन ओके। अब देखो हमारे पास में एक हेलिक्स स्प्रिंग तैयार हो चुकी है, जिसमें हमारे पास में नंबर कॉइल्स जो इसकी वेरिएबल है। अब हमें इसके बोथ हैंड्स
हमने बोला था पहले ही स्क्वायर्ड और ग्राउंडेड होने चाहिए, तो उसके लिए अब हमें आगे प्रोसेस करना है। हम फिर से प्लान शो करेंगे। अब हमें एक एक्सट्रूड कट या पॉकेट यूज करना होगा। स्केच यहां पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल हम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो अभी हमने कुछ इस टाइप से लिया है कि इसमें इस रेक्टेंगल हम कोई डायमेंशन या फिर कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा है, हम डायरेक्ट इसको ले लेते हैं एंड देन आफ्टर इसको कट करेंगे मिरर एक्सटेंड करके डेप्थ 75। अब हम देख सकते हैं कि हमारा बॉटम पे सरफेस प्लेन सरफेस आ चुका है और इसका कट भी जो इसका प्रोफाइल है वो भी अब कट हो चुका है। सेम यही प्रोसेस हम टॉप एंड के लिए करेंगे। वही मिरर एक्सटेंड यूज कर लेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपके पास में जो स्प्रिंग है उसके बोथ एंड स्क्वायर्ड आ चुके हैं। अब आप इसमें मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टील या फिर कोई अलग कलर देना चाहते हैं आप। कई बार स्प्रिंग्स अलग अलग हार्डनेस के हिसाब से अलग अलग कलर कोड्स में भी आती है, तो अभी हम येलो कलर कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में एक स्प्रिंग तैयार हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके रिव्यू दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।